नमस्ते एंड वेलकम टू दिस वीडियो पॉडकास्ट ऑफ दिबीना डी को। आज का टॉपिक है बेबीज वीनिंग ऑफ मिल्क, मतलब बच्चे को कब और कैसे दूध छुड़ाए। तो थोड़े दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल किया या क्वेश्चन आंसर किया, वहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया कि लियाना और दिविशा अभी भी रात को दूध पीते हैं कि नहीं और रात को कितने बार उठते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो बच्चे जब एक साल के ऊपर हो जाते हैं और जब हम चाहते हैं कि बच्चे रात भर चैन की नींद सोए, बच्चे सोते नहीं है, बार बार उठते हैं क्योंकि तब तक उन लोगों को आदत हो चुकी है टू वेक अप इन द नाइट मेनी मेनी टाइम्स फॉर मिल्क। अभी इसको कैसे छुड़ाए, दिस वॉज अ क्वेश्चन इन माई माइंड। आई डिड नॉट नो हुम टू आस्क और इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन इंटरनेट में अवेलेबल भी नहीं है कि बच्चों को दूध छुड़ाना चाहिए कि नहीं और छुड़ाना भी अगर चाहे तो किस तरीके से करें और दूध के बदले में क्या पिलाए और when to do it। So जैसे जैसे as a mother मैंने ये information gather किया और मैंने अपने बच्चों के ऊपर apply किया और मुझे एक अभी finally जाके रात को सोते हुए बच्चे मिलते हैं। I thought this is a video that I must make for all you mommies। तो पहली बात तो ये है कि internet एवं जो लोग हमारे आसपास हैं उन लोग में मैं मेरी मम्मी को भी बोलूंगी, बिकॉज यू नो यस्टर इयर्स पीपल एंड अ लॉट ऑफ पीपल दे विल टेल यू दैट बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए जितने साल तक आप पिलाना चाहते हैं। तो 6 मंथ तक तो डेफिनेटली पिलाना चाहिए, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वॉन्ट टू फीड योर बेबी मिल्क और यू वॉन्ट टू स्टॉप इट। अभी कुछ माँ ऐसी होते हैं जो लैक्टेट बिल्कुल ही नहीं करते हैं right from the word go, जैसे during Liana, I did not lactate, तो मेरे पास formula के अलावा option था ही नहीं। During Divisha, मैं 6-7 months मैंने Divisha को दूध पिलाया because I was lactating, और उसके बाद मेरा prolactin level suddenly एकदम से dip होके normal हो गया, like 26-27, तो जाहिर सी बात है prolactin level जब drop हो जाता है मतलब आपका लैक्टेशन बंद हो जाता है या बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो उस सिचुएशन में ऐसा नहीं था कि यू नो आई कुड मेक दिविशा डिपेंडेंट ऑन माय मिल्क और आई कुड कीप हर ओनली ऑन माय मिल्क। आई हैड टू इंट्रोड्यूस फॉर्मूला। फॉर्मूला इज अ वेरी यू नो टॉपिक जो कुछ लोग बोलेंगे क्यों पिलाते हो क्यों नहीं पिलाते हो। मैं तो ये बोलूंगी कि विथ माई ओन एक्सपीरियंस विथ बोथ माई बेबीज मैंने ऐसा कोई डिफरेंस नहीं देखा यू नो माँ का दूध पीने वाले बच्चे और फॉर्मूला पीने वाले बच्चे में, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्वली हेल्थी, इक्वली तंदुरुस्त, इक्वली इंटेलिजेंट। ट्रस्ट मी देर इज नो डिफरेंस। और अगर आपके पास ऑप्शन हो ही ना फॉर्मूला के अलावा तो यू नो बैगेज लेके कोई फायदा नहीं है दैट क्या होगा कैसे होगा अच्छा ग्रोथ होगा कि नहीं कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं। Put that baggage aside and give your baby formula because that is what is the only option for you. और बात आती है about जो हमारे topic है आज के video का is about weaning of milk. जब बच्चे formula पीते हैं तो there is a 3-hour gap. That is how it is maintained. जो मैंने Liana के time किया था with the advice of doctors and everybody around. बट जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उसका कोई टाइम नहीं होता है, कोई 3 घंटा नहीं होता है। बच्चे को जब भूख लगती है तब ही माँ को पिलाना पड़ता है, बच्चा वैसे ही पीते हैं। और ये जो दूध पीते रहने का साइकिल है धीरे धीरे 5 मंथ्स में मैंने तो खाना इंट्रोड्यूस कर दिया था और जैसे जैसे मैंने खाना इंट्रोड्यूस किया था उसके साथ साथ मैंने मिल्क भी रिड्यूस किया। पहले 100% मिल्क में होते थे बच्चे, उसके बाद मैंने मिल्क हल्का कम किया और खाना धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया। फिर धीरे धीरे मिल्क और खाना इक्वल था, उसके बाद मिल्क को रिड्यूस किया और खाने को इंक्रीज किया। दिन भर में मिल्क रिड्यूस करने का फायदा जो मुझे हुआ मैं वो बता सकती हूँ, वो ये है कि बच्चे खाना खाने लगते हैं। आई नो दिस इज नॉट अ वन डेज वर्क, इट टेक्स टाइम एंड पेशेंस, क्योंकि इनिशियली बच्चे दूध मांगते हैं और खाना रिजेक्ट करते हैं। इनिशियली ऐसा लगता है
दैट बच्चा दूध बच्चे को हम दूध दे नहीं रहे हैं और बच्चा खाना भी नहीं खा रहा है ठीक से, तो कैसे होगा? इट इज समथिंग लाइक द बेबी इज काइंड ऑफ मैन्युपुलेटिंग अस. वो बड़े यू नो शकुनी मामा जैसे एकदम पेचीदा कैलकुलेशन तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे भी बड़ों को मैनिपुलेट करते हैं बाय डूइंग समथिंग लाइक रिजेक्टिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, क्योंकि उन लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं माँ बाप हार के दे ही देंगे, दे विल जस्ट गिव इट. सेकेंडली दे क्राई क्राई क्राई, क्योंकि क्राइंग इज अ मैकेनिज्म ऑफ मैनिपुलेटिंग द एल्डर्स. तो आप अगर 2 या 3 दिन इस चीज को रेजिस्ट कर सकते हैं, मतलब खाते टाइम या खाना रिजेक्ट करते ही आपने अगर दूध दे दिया तो उसको नेक्स्ट डे पता होगा कि मैं खाना रिजेक्ट करूंगा या करूंगी तो मुझे दूध मिल ही जाएगा. बट अगर खाना रिजेक्ट किया और उसको दूध नहीं मिला, सेकेंड मील में भी ऐसा ही हो, थर्ड मील में भी ऐसा ही हो, इन द नेक्स्ट 2 to 3 days, ट्रस्ट मी ऑन दैट, बच्चा खाना खाने लगेगा क्योंकि उसको पता होगा दैट देयर इज नो ऑप्शन बी. कमिंग टू द नाइट मिल्क, वहां पे आते हैं, बिकॉज दैट इज द टफेस्ट, एटलीस्ट आई हैव फेस्ड दैट. क्योंकि रात को आप भी सो रहे होते हो, आपको वो नींद चाहिए होती है, और द मोस्ट कन्वीनियंट इज कि बच्चा जब रोए फटाफट दूध बना के उसके मुंह में डाल दो बॉटल, और बच्चा भी दूध पी के सो जाए और आपको भी आगे चैन की नींद मिले फॉर द नेक्स्ट 2.5-3 hours. बिकॉज ऐसा मेरे साथ होता था कि मुझे ऐसा लगता था दूध पी के फिर 2.5 घंटा फिर से सोती है, फिर उठती है, फिर एक दूध पी के फिर सोती है, और इसी तरीके से रात में 3 feed हो जाता था. और एक वेक अप स्लीप साइकिल में मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया था विद इन बोथ माय बेबीज. देन आई केम अक्रॉस समबडी हु सेड दैट वीन ऑफ बेबी द मिल्क, रात को बच्चों को दूध की जरूरत नहीं होती. क्या हम रात भर उठते हैं खाना खाने के लिए? नहीं, हम नहीं उठते हैं. जिसको जिस चीज़ की आदत हो जाती है वो वही चीज़ करते हैं. बच्चों को भी ये जो पूरी रात को सोने का जो एक फुल पैटर्न है, इस पैटर्न को लाने के लिए रात का फीड बंद करना होगा. दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज, रात को अगर हम दूध पिलाते हैं तो उससे बच्चों का दांत खराब होता है, और ये मैंने डॉक्टर के साथ भी रिकन्फर्म किया एंड दिस इज 100% करेक्ट. क्योंकि मिल्क में जो शुगर होता है, मिल्क में जो लैक्टिक एसिड होता है, वो मुंह में रह जाता है बच्चों का, और वैसे ही बच्चे सो जाते हैं. क्योंकि आप कितना भी चाहो कि दूध पिलाने के बाद कुल्ला करा के आप नहीं सुला सकते हो बच्चे को, तो जो दूध मुंह में रह जाता है उससे दांत खराब होने का संभावना होता है. द अर्लियर यू कैन वीन द बेबी ऑफ मिल्क द बेटर इट इज फॉर द बेबी एंड फॉर यू एंड अगेन फॉर द बेबी. क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं इस वक्त, इट्स ऑल फॉर द बेबी एट द एंड ऑफ द डे. पर क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं. This is a work of persistence, क्योंकि आपको करते रहना है. Mind it, मैंने किसी एक व्यक्ति की बात सुन के ये decision नहीं लिया. I have spoken to other mothers, a lot of pediatrician, और सब ने मुझे thumbs up दिया. सब ने बोला it is okay to wean off milk after 1 year. 1 year तक तो मैं भी ऐसा समझती हूँ कि बच्चे को दूध की जरूरत होती है, लेकिन after 1 year it is up to you when you start, day 1 or as many days after. So jis din aapne decide kiya aaj wo din hai, uske baad aapne agar ek din galti se bhi doodh de diya raat ko, means your effort is gone down to 0 bhi nahi, -10, because bacche ko pata chal gaya कि मेरा ये जो टेक्निक है टू आस्क फॉर मिल्क, इससे मैं एक नॉच ऊपर जाऊंगी तो मुझे दूध मिल ही जाएगा क्योंकि एक बार मिला है. तो इफ यू हैव डिसाइडेड टुडे इज द डे, मींस उसके बाद दूध का शक्ल ही नहीं दिखना चाहिए, तो आप यकीन मानो इट टेक्स अबाउट 1 week एंड मिनिमम 2 days. लियाना के लिए इट वॉज 2 days फॉर मी, एंड विद दिविशा इट वॉज 1 week. दिस 2 days वॉज रियली टफ, दिस 1 week वॉज रियली टफ, बट आई हैड टू होल्ड ऑन, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, मेरे पास फॉर्मूला भी खत्म हो गया था. एक्चुअली मैंने ऐसा किया कि जिस दिन मेरा फॉर्मूला फुल खत्म हो गया, डब्बा फुल फिनिश,
मैंने उसके आगे ऑर्डर ही नहीं किया। तो ऑब्वियसली जब फॉर्मूला है ही नहीं तो मैं दूं ही क्या। और काउ मिल्क भी मैंने, मतलब मैंने अपना मन बनाया था कि रात को दूध नहीं दूंगी, तो मतलब नहीं दूंगी। तो कुछ सामान मैंने रखा ही नहीं दूध का, सिर्फ पानी का बॉटल रखा है, वो भी अलग बॉटल, जिस बॉटल से दूध पीते हैं वो बॉटल भी नहीं, अ डिफरेंट बॉटल जो कि थोड़ा सिपर टाइप का है, ताकि फील भी अलग हो। और अगर गला सूख रहा है या ऐसा कुछ तो पानी पी के गला को भिगा दे बच्चा, लेकिन दूध तो ना मिले। जैसे मैंने कहा कि इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रोसेस ऑफ परसिस्टेंस एंड पेशेंस। आप रेडी रहिए, आपको दो दिन भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है, या शायद और एक दो, एक हफ्ते के ऊपर मुझे नहीं लगता है होता है, बिकॉज दिविशा को मैंने फील किया कि बहुत ही, मतलब उसने अपना रोना रोज एक एक नॉच ऊपर किया, अंतिम कर दिया, एक घंटा रोई, लेकिन उसके बाद से वो रात को उठना उसने बंद कर दिया। हाँ, अभी भी वो उठ रही है, थोड़ा थोड़ा उठती है, हल्का सा वो सिपर में पानी पी के सो जाती है, बट शी डज नॉट वेक अप। एंड ट्रस्ट मी, मुझे अभी फील हो रहा है कि मेरी बच्ची रात भर सो रही है, लियाना और दिविशा दोनों सो रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल मुझे लगता है कि आ सकता है, कि मेरा बच्चा तो अच्छे से खाता नहीं है, तो क्या मैं उसको रात को भी अगर दूध नहीं दूँ तो पोषण कैसे मिलेगा, या सबसे बड़ा जो सवाल है कि कैल्शियम कैसे मिलेगा। तो दोनों का जवाब मैं दे देती हूँ कि आप अगर दूध छुड़ा देंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे का जो अटेंशन टुवर्ड्स फूड है वो बढ़ ही जाएगा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक चीज कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक चीज नहीं मिलेगा तो दूसरा बढ़ेगा, बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन। बच्चे को पता नहीं है व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, उसको वो मिल रहा था इसलिए वो और मांग रहा था। आप धीरे 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 उसको हटा देंगे, हम नहीं करते क्या? बच्चा जब किसी गलत चीज की तरफ जा रहा है या कुछ हाथ में कुछ ऐसा उठा लिया जो उसके लिए हार्मफुल है, हम हाथ से निकाल के ऐसे गायब कर देते हैं और उसका अटेंशन कहीं और दे देते हैं और बच्चा भूल जाता है। हम तभी ऐसा नहीं बोलते कि वो तो नहीं भूलेगा, अभी कैसे ले, उसको समझाने लॉजिक देने लग जाए, क्योंकि बच्चा इस छोटे उम्र में लॉजिक नहीं समझते हैं, उसको हम, उसका दिमाग हम धीरे धीरे दूसरी तरफ कर देते हैं। तो मिल्क के लिए भी मैं यही बोलूंगी कि उसको धीरे धीरे हम लोग फूड की तरफ अटेंशन दिलाते हैं। तो अगर हम दूध देंगे तो दूध के ऊपर डिपेंडेंसी बरकरार रहेगा और दूध देखते ही खाना नहीं खाएंगे। अभी नाउ दैट दे आर कम्प्लीटली वीन्ड ऑफ मिल्क, सोने से पहले मैं दोनों को एक ग्लास दूध देती हूँ, ब्रश कराती हूँ, पानी पिलाती हूँ, फिर सुलाती हूँ। तो उससे जो दूध पीने का जो चीज़ भी है, ग्लास से दूध देती हूँ, नॉट फ्रॉम द बॉटल, रिमेम्बर, बिकॉज बॉटल देखते ही वो बॉटल फीड की याद आ जाएगी एंड देन इट इज़ अगेन लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। सो बॉटल बिल्कुल हट चुका है, ग्लास से या कप से दोनों दूध पीते हैं, ब्रश करते हैं, पानी पीते हैं, फिर सोते हैं। सो ट्राई दिस, आई एम श्योर दिस विल रियली रियली हेल्प। एंड टॉकिंग अबाउट कैल्शियम, कैल्शियम बहुत अन्य चीज़ों में भी है, जैसे कि पालक, जैसे कि सेसमी सीड। तो आप सेसमी सीड के पेस्ट करके रख सकते हैं और जो भी बच्चा खा रहा है उसमें आप थोड़ा थोड़ा अगर मिला दें तो बच्चे को कैल्शियम भी मिलेगा और अच्छे से मिलेगा। सो देर इज नो फियर कि कैल्शियम नहीं मिल रहा है या ऐसा कुछ। इनफैक्ट जिस तरीके से हम सोचते बड़े, मैं जैसे सोचती हूँ दूध में बहुत ज़्यादा आजकल इंजेक्शंस होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, तो जो काउ मिल्क ज़्यादा नहीं दे तो ही अच्छा है। अगर आप कहीं किसी जगह से आप एंटीबायोटिक फ्री दूध आपके पास आ रहा है तो वो आप पिला सकते हैं दिन में ग्लास में, इफ़ यू स्टिल वांट टू गिव मिल्क, बट नॉट इन द नाइट। सो हैप्पी वीनिंग ऑल माय मॉमीज एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल है आप मुझे ज़रूर लिखें, because I read all your comments and I try to give answer to all of them. And yes, kyunki video ka aakhri hai, maine socha ye sawal aap se poochu ki
बहुत लोग मुझसे ऐसे लिखते हैं कि माई जर्नी इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब योर जर्नी इज वेरी डिफिकल्ट. हर एक इंसान को लगता है कि मेरा जो जर्नी है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बट ऑलवेज रिमेम्बर यू आर नॉट अलोन. और ये कैसे पता चलेगा? व्हेन वी टॉक टू अदर मॉमीज. सो इफ यू वॉन्ट, आई कैन स्टार्ट अ डिस्कशन और अ पॉडकास्ट, लाइक अ सीरियस पॉडकास्ट विद द फेलो अदर मॉमीज, जो काम भी संभालती है, जो इंडस्ट्री की है, जो काम पे जाती है, हु हैव टेकन ब्रेक एंड हैव एक्सेप्टेड मदरहुड, पीपल हु हैव नॉट इवन टेकन ब्रेक एंड एक्सेप्टेड मदरहुड, एंड पीपल हु हैव यू नो एक्सेप्टेड मदरहुड लिटिल लेटर इन लाइफ. ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे आंखों के सामने हैं और जिन्हें देख के हमें लगता है कि इनके साथ तो शायद ही कोई प्रॉब्लम हुआ होगा. स्पेशली सेलेब्स को देख के ऐसा लगता है कि शायद ही कोई प्रॉब्लम हुआ, सारा प्रॉब्लम तो मेरे साथ है. इफ़ यू वॉन्ट मी टू डू अ पॉडकास्ट विद ऑल दीज मॉमीज हु विल टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, हु विल टॉक अबाउट द रोड ब्लॉक्स इन देयर लाइफ, सो दैट यू फील दैट यू आर नॉट अलोन, प्लीज राइट डाउन टू मी एंड आई विल स्टार्ट दैट सीरीज ऑफ पॉडकास्ट वेरी वेरी सून विद ऑल योर लव. प्लीज राइट टू मी एंड बाय फॉर नाउ.